चेता बागे पर निकल गया महाराज। विदेशी, ओ विदेशी, रुक 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 रुक, मुलागुर मऊ जाऊ चेता मांगे। छेर छेड़ता कोटिक धान ला हे छेड़ता माई मुर्गी ला मारता फिर मांगे जाऊँ छेर छेड़ता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, मैं हूँ आतिथ्य, तो स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली को इस छेर छेड़ा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज है 6 जनवरी 2023 और आज है छेर छेरा पर्व। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार, छेर छेरा का पर्व छत्तीसगढ़ में कंवर में ही नहीं बल्कि सभी जनजातियों का त्यौहार है और यह एक ऐसा मात्र त्यौहार है जो बिना पूजा पाठ के किया जाता है। दोस्तों यह जो छेरछेरा का पर्व होता है यह पौष माह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि पौष माह के अंतिम दिन मनाया जाता है और इसके अगले दिन से माघ चालू हो जाता है। तो दोस्तों यह जो छेरछेरा का पर्व होता है यह हर्षोल्लास आनंदमय और पार्टियों का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन कोई ऐसा परिवार होता होगा जो नहीं खाता पीता होगा, एक दिन सभी लोग खाते पीते हैं। तो दोस्तों यह जो छेरछेरा त्यौहार होता है या नए साल के स्वागत की तरह होता है या आप कह सकते हैं यह अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल के आसपास ही होता है। और यह भी आप यह भी कह सकते हैं कि जब किसानों के और आप यह भी कह सकते हैं कि जब गांव में किसानों की धान की कटाई मिसाई या कुटाई जब ख़त्म होते रहता है तब छेरछेरा का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो हर आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाजों में कई दर्शनपूर्ण और रहस्य छुपे होते हैं और यह आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचती है, इसलिए यह एक पहेली बनकर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार छेरछेरा का जो पर्व होता है इसमें भी कई रहस्य छुपे होते हैं। दोस्तों यह जो छेरछेरा का पर्व होता है हमें बहुत ही अच्छी सीख बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। दोस्तों इस दिन छोटे छोटे बच्चे सिर्फ छेरछेरा कहकर छेरता मांगते हैं और जो देने वाला होता है वह बिना भाव प्रकट किए उन्हें थोड़ा थोड़ा धान दे देता है। लेकिन जब शाम को जब लड़के लड़कियां अपनी टोली लेकर या अपनी ग्रुप बनाकर जब लोकड़ी मांगने जाते हैं तो वहां पर वे लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो उनका यह रचनाशील जो विनोदपूर्ण भाव को देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी मात्रा में धान देते हैं और साथ ही साथ चावल भी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा रचनाशील विनोदपूर्ण बने रहना चाहिए, ना कि आलस रहना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए जो कि हमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें छेरछेरा का जो पर्व होता है इससे काफ़ी अच्छी सीख सीखने को मिलती है। दोस्तों आज के दिन घर में बहुत ही अच्छी चीज़ खाने को बनती है, जैसे कि आप कह सकते हैं चूरा मिलता है खाने को, गुरहा रोटी, चेपरी रोटी, कोसना, मऊहा रस इत्यादि बहुत ही आकर्षक चीज़ होती है जो कि ऐसे त्यौहारों में हमेशा बनता है और विशेष होता है इस त्यौहार का। तो आप लोगों को भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, मैं खुद आज छेरता मांगने जाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि छेरता कैसे मांगा जाता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यह हम लोग का जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके पूरे देश विदेश में फैलाइए कि हमारा जो जनजाति त्यौहार होता है छेरछेरा पर्व यह कैसा होता है, लोगों को बताइए, दिखाइए। सकते हैं कि बच्चे लोग छेरता मांगने के लिए तैयार होके जा रहे हैं छेरता मांगने। शिवा तो यहाँ ये है विदेशी और बच्चे लोग आओ। अजुगा छे छेरता कै बोरा पाए गए? बस अको बोरा नहीं पाया था जले। ठीक ठीक है, जावा मांगे मोरू बंटली है ना। हाँ ठीक है।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे गांव के जो भाई लोग हैं अपने ग्रुप में छेड़ता मांग रहे हैं, और अभी गांव का आधा घर भी इन लोग गए नहीं है। और देख सकते हैं कि हम लोग दो बोरा पहले से ही फुल कर चुके हैं छेड़ता मांग के। इन दोनों बोरा में कह सकते हैं समथिंग 50 किलो तो हो गई धान, और ये एक बोरा और भरने ही वाला है। और गाँव के आधे से भी कम घर में इन लोग अभी गए हैं। देख सकते हैं इन लोग कम से कम 12 लोग तो होंगे ही अपने ग्रुप में, और उसमें मैं भी हूँ जो छेड़ता मांग रहा हूँ आज इनके ग्रुप में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो छेड़ता मांगने जाया करते थे। तो देख सकते हैं आधा सुपर इन लोग को दिया जा रहा है, हम लोग को कहने का मतलब। तो छेड़ता का पर्व ऐसा है कि छेड़ता करके हम लोगों को मांगना पड़ता है धान, और लोग बड़े ही स्वभाव से पूर्वक दे देते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि घर में मटन बनने वाला है, और उसके लिए लहसुन को अभी छीला जा रहा है। तो दोस्तों आज छेड़ता का जो पर्व है उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि भैंस लोग भी यहाँ पर दुकान लगा हुआ है, बकरा कट रहा है, वहाँ पर भैंस लोग भी बकरा खरीदने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ बकरा खरीदने। तो दोस्तों आज छेड़ता होने के कारण मैं अपने घर में आज बना रहा हूँ बुक। तो दोस्तों आज छेड़ा का पर्व होने के कारण मैं अपने घर में अकेला हूँ, और आज मैं बना रहा हूँ 1.5 किलो मटन बकरा भी खरीद के लाया हूँ। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा मैं गया था कहीं पर बकरा कट रहा था वहाँ पर लेने। तो चलिए आज मैं अपना मटन बनाता हूँ, आज का जो फेवरेट डिश है छेरछेरा के पर्व में बहुत ही आकर्षक पकवान है। ये देखिए आज क्या बना है छेड़ता में हमारे घर में, इरसा रोटी जो कि गुड़ और बोलना चाहिए तो चावल का आटा रहता है, और यह है चेपरी रोटी जो कि चावल के आटे से ही बनता है। तो अभी और क्या क्या बन रहा है दिखाता हूँ। टमाटर चटनी नहीं है? टमाटर चटनी गुरा रोटी पालक मटर पत्ता गोभी पूड़ी, और ये आ गया आज का चिकन वो भी गर्मा गर्म। तो अब इसको खाकर देखते हैं। अंकित के फोन आते भैया जमगला वीडियो। हाय गाइस, हाँ भाई।